जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव दरियापुर में 24 अक्टूबर को हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को मामले का खुलासा कर दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने मृतका के साथ शारीरिक संबंध बनाए उसका रेप किया, ऐसे में विरोध करने पर पीड़िता को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने पीड़ित महिला की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। आरोपी को खुड़लिया अंडरपास के पास से पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से खून से सने हुए कपड़े बरामद किए हैं। गिरफ्तार किया गया आरोपी गांव दरियापुर थाना सिंभावली जनपद हापुड़ का है, जिसके कब्जे से पुलिस ने लोहे की दराती और खून से सने कपड़े बरामद किए हैं। ज्ञात हो कि गुरुवार को मेनका पत्नी सुरेंद्र का शव गांव में ही गुरुवार को खेतों में पड़ा मिला था। ग्रामीणों की नज़र जब मेनका के शव पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को मामले से अवगत कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और मामले की जांच शुरू की। मेनका के पति सुरेंद्र का 2 वर्ष पहले निधन हो चुका है, जो कि खेतों से घास काटकर अपने पशुओं का पालन कर बच्चों का लालन पोषण कर रही थी। मेनका पर गांव के ही सोनू की गंदी नजर थी, जिसने महिला को अकेला पाकर मौके का फायदा उठाने का प्रयास किया। सिंभावली क्षेत्र में गांव दरियापुर पड़ता है, वहां की एक लगभग 40-45 वर्षीय महिला श्रीमती मेनका का शव उनके घर के और गांव के पास ही एक गन्ने के खेत में मिला था। शरीर के ऊपर कुछ चोटों के निशान थे, इसके अलावा कपड़े काफ़ी अस्त व्यस्त थे। शुरुआत में ये एक ब्लाइंड मर्डर की तरीके से था, धीरे धीरे हमको सुराग मिले। इसमें पुलिस ने बहुत कम समय में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करी है, इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। घटना में जो प्रयुक्त दराती है वो कल ही मिल गई थी। इसके अलावा उसके शरीर पर जो कपड़े पहने हुए थे मृतक की हत्या करने वाले व्यक्ति के द्वारा जो अभियुक्त है, वो कपड़े और उसमें जो ब्लड लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें निशानदेही पर बरामद हुई हैं। मुलजिम ने अपने जुर्म का इकबाल भी किया है और इस प्रकार से ये केस पूरी तरीके से वर्कआउट हो गया है। इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और अच्छी विवेचना करके इस जघन्य अपराध में जो संलिप्त है व्यक्ति, उस व्यक्ति की गतिविधियों पर कुछ लगाने के लिए और लोगों को इसके बारे में जो है जानकारी हो कि इस प्रकार से करना जो है समाज के विरुद्ध है, इस प्रकार से हम इसमें कार्रवाई करेंगे, अच्छी विवेचना कराएंगे और मुलजिम को जल्द से जल्द साक्ष्य के आधार पर उसके अंजाम तक पहुँचवाएंगे। देखिए, इसके लिए हमने पोस्टमार्टम जो कराया है उसमें कुछ हमने प्रश्न पूछे थे खास तौर से, साथ ही साथ पोस्टमार्टम को हम लोगों ने वीडियोग्राफी के साथ और एक पैनल के द्वारा करवाया है। कुछ शारीरिक द्रव्यों की स्लाइड्स बनाई गई हैं, उनका मिलान करके ही ये बात स्पष्ट हो पाएगी। जहां तक अभियुक्त का प्रश्न है, उसने स्वीकार किया है, इस बारे में उसने एफर्मेटिव में उत्तर दिया है, तो ऐसा अभी तक के साक्ष्य तो प्रतीत हो रहा है कि ऐसा हुआ था। बाकी पुष्टिकारक रूप से तो जब स्लाइड्स का मिलान हो जाएगा तभी इसके बारे में कुछ कहा जा सकता। देखिए, ये पहले भी जो है इस प्रकार के कृत्यों में संलिप्त रहा है अभियुक्त, गांव में इस प्रकार की सूचना हमको मिली थी और पहले भी, लेकिन गांव ने लोकलाज से या उस पर सामाजिक तौर पे सामने ना आने के लिए इन चीज़ों को दबा दिया। गांव में इस प्रकार की घटनाएं पहले भी इसने करी हैं, कुछ में सफल हुआ कुछ में नहीं हुआ, इस प्रकार की जानकारी आ रही है, इसके बारे में भी हम और गहराई से जानकारी करेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। तो ये इस प्रकार से इसी फिराक में रहता था, ये महिला चूँकि इनके पति का देहांत हो चुका था, ये कमज़ोर आर्थिक इनकी पृष्ठभूमि थी, तो ये उनको इस प्रकार से मिसयूज़ करना चाहता था। उसने मिसयूज़ करने का प्रयास किया और उसके बाद जब इसको शक हुआ और जब इसको लगा कि ये बात सामने आ जाएगी, तो इसने इस घटना को अंजाम दिया है और एक महिला की परिस्थिति का लाभ उठा करके ये उसने घटना इनके साथ कारित करना चाहता था। दोपहर करीब 12 बजे के आसपास महिला खेतों पर गई थी, तभी आरोपी ने उसे देख लिया और खेतों में ले गया, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान मेनका ने विरोध किया और उसके हाथ पर काट लिया, साथ ही दराती से हमला भी कर दिया। आरोपी को जेल भिजवाने की धमकी भी दी। इसके बाद आरोपी आग बबूला हो गया और जेल जाने के डर से आरोपी ने मेनका के पेट पर दराती से हमला किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने घटना में इस्तेमाल लोहे की दराती, अभियुक्त द्वारा पहने हुए कपड़े जिन पर खून के निशान भी हैं बरामद कर लिए हैं।